आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कानपुर देहात में खनन माफिया बेलगाम है। माइनिंग की फाइलें रबड़ी मलाई की तरह बांटी जा रही हैं, लिहाजा सूरज ढलते ही जेसीबी लग जाती हैं। धरती का सीना चीरने में कल रात तो गजब ही हो गया। माइनिंग को लेकर 3 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद राज्य मंत्री और उनके पति पूर्व सांसद ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री और पूर्व सांसद महोदय ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। नोट करा रहा हूँ मुख्यमंत्री के यहाँ। मैं कहाँ का राकेश सजान करेगा, WTO में गुंडागर्दी करेगा, RES में गुंडागर्दी करेगा, UPSIC में गुंडागर्दी करेगा। हमने इनको कितना रुपया चाहिए उसको, कितना भूख है उसको बताओ ना। अब कितना पैसा चाहिए उसको, सारे आधे कानपुर में तो उसके गेस्ट हाउस है, उससे पेट नहीं भर रहा है। आपकी पुलिस बेईमान है, आपके सारे लोग बेईमान, और मैं अभी चल रहा हूँ थाने में, और जब तक एक एक अरेस्ट नहीं हो जाए, चाहे तो क्या नहीं कर सकती, जब तक अरेस्ट नहीं हो जाएगा हम लोग हटेंगे नहीं, वहाँ थाने में बैठेंगे। ये लोग हटे क्यों नहीं, ये देखिए कोई हटा नहीं, कोई भागा नहीं, अब ये देखिए कुछ काम रुका नहीं। पुलिस इतनी शक्तिशाली होती है, रक्षक बनाएगी। ये स्कॉर्पियो खड़ी है शिवा भवन बहन जी, ये स्कॉर्पियो खड़ी है सीओ साहब, ये स्कॉर्पियो खड़ी है, विधायक लिखा, विधायक लिखा, मतलब देखे कौन है विधायक, कौन है विधायक बतावे ना, वो गाड़ी में बैठे हैं, कौन है, हम है विधायक, काहे विधायक लिखा है, ये प्रधान जी है, प्रधान है, हम प्रधान है। रात में अरेस्ट करो उनको, रुको आपके आ रहे हैं, एक सफारी भाग के गई है और एक स्कॉर्पियो, हाँ गई है, गई मेरे मुझे रास्ते में, तीन गाड़ी निकली, तीन जानबूझ के बताया गया, जानबूझ के बताया गया। करा रहा हूँ मुख्यमंत्री के यहाँ, कहाँ गुंडागर्दी करेगा, RES में गुंडागर्दी करेगा, UPSIC में गुंडागर्दी करेगा। हमने इनको कितना रुपया चाहिए उसको, कितना भूख है उसको बताओ ना, अब कितना पैसा चाहिए उसको, सारे आधे कानपुर में तो उसके गेस्ट हाउस है, उससे पेट नहीं भर रहा है। आपकी पुलिस बेईमान है, आपके सारे लोग बेईमान, और मैं अभी चल रहा हूँ थाने में, और जब तक एक एक अरेस्ट नहीं हो जाए, चाहे तो क्या नहीं कर सकती, जब तक अरेस्ट नहीं हो जाएगा हम लोग हटेंगे नहीं, वहाँ थाने में बैठेंगे। ये लोग हटे क्यों नहीं, ये देखिए कोई हटा नहीं, कोई भागा नहीं, अब ये देखिए कुछ काम रुका नहीं। पुलिस इतनी शक्तिशाली होती है, रक्षक बनाएगी। ये स्कॉर्पियो खड़ी है शिवा भवन बहन जी, ये स्कॉर्पियो खड़ी है सीओ साहब, ये स्कॉर्पियो खड़ी है, विधायक लिखा, विधायक लिखा, मतलब देखे कौन है विधायक, कौन है विधायक बतावे ना, वो गाड़ी में बैठे हैं, कौन है, हम है विधायक, काहे विधायक लिखाए, ये प्रधान जी है, प्रधान है, हम प्रधान है। हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है, और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहां पे फायरिंग हुई, उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहां जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहां हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहां पे आया था तो मैंने पहले SP को सूचना दी थी, SDM साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए, और SO भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था,
लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने तीन गाड़ियों को भगा दिया जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे वो लोग। और ये बात सही है कि जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में एक जो है इसका इसका वो थी स्कॉर्पियो काले रंग की और एक सफेद रंग की सफारी सफारी क्या वो जो उसको अभी क्या बोलते हैं है? हाँ तो वो जो है क्या ना मैं सफारी टाइप जो होती है वो थी और एक गाड़ी और थी। तो वो लोग और जब इन लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो ये लोग हट गए नहीं तो एक आध उसमें एक्सीडेंट मारा जाता। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है और अभी पता लगा है कि यहाँ पे इसके पीछे जो खेत है वहाँ 40 फुट गहरा खनन हुआ है जबकि खनन जो का जो अधिकारी है या उसका जो कर्मचारी आया है वो बता रहा है कि 2 मीटर ही मैक्सिमम है। मुझे तो जानकारी थी कि 4 फुट से ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर 2 मीटर मान लिया जाए तो यहाँ भी 10 फुट से ऊपर खुदा है और पीछे जो है 20 फुट से ज़्यादा गहरा खुदा है। और अभी नहर पटरी पे सारी खुदाई कर डाली उसमें नहर के लोगों ने FIR भी कराई है एप्लीकेशन भी दिया है अगर जिम्मेदारी माने तो लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के नाम पे परमिशन हो रहा है वही लोग तो अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने कोई तो और नहीं आएगा और अब चूंकि वहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं होता किसी ने फोटो नहीं लिया होता है कुछ नहीं होता है तो वो आसानी से अधिकारी उनको बचा देते हैं जबकि नियम ये है कि अगर हमने आमतौर पर देखा है पुलिस में कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर फिर दोबारा कहीं चोरी हो जाए सबसे पहले उसी को इंट्रक्शन किया जाता है उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने जो है चोरी दोबारा किया है तुम पे। तो जब यहाँ पे खनन के काम ये लोग कर रहे हैं तो यही अवैध खनन कर रहे हैं तो उस अवैध खनन की नाप करके और जो उस पर पेनाल्टी बनती है उस पर इनको इम्पोज करना चाहिए वो अपनी सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। तो अधिकारी ये ओना साहब प्रूफ तो उनपे है ना कि वो सफाई दें कि मैंने नहीं किया है और हमारी जवाबदेही यहाँ की जनता के लिए अगर हम रात में जो है कहना अपने आदमियों को नहीं बचाएंगे हमारे कोई लोग हताहत हो जाएंगे तो फिर ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या हुआ भाई। क्यों मैं वाई शुड आई भी MLA ऑफ दिस एरिया आई शुड जो है लीव इट गलत बात है ना। कौन लोग जिम्मेदार आप मान रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया अभी उनके नाम खुल के नहीं आए लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो और एक कौन से मंत्री जी वो क्या नाम कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी उनको अपना मामा बता रहा है और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है वो स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है और इसके अलावा और 3 लड़के पकड़े गए वो भी हैं और एक क्या नाम है तीनों के कोई सरल सिंह है जय सचान और एक अग्रवाल वीर अग्रवाल और एक कोई और है 4 लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई सरकार में होगी? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है इस सारे को नपवा करके इन 4ों के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए उनसे पैसा वसूला जाए और जो गाड़ियाँ यहाँ पे पकड़ी गई हैं इन गाड़ियों को सीज किया जाए और DM साहब से कहेंगे कि जिस तरीके से कानपुर नगर में DM अय्यर साहब जब थे उन्होंने विधनु क्षेत्र में जो अवैध खनन हुआ था उससे उन्होंने तंग आकर के 25 लाख रुपया जो है JCB पे लगाया था पेनाल्टी और 5-5 लाख डंफर पे लगाया था और 5 लाख रुपया जो खेत का मालिक था उसके ऊपर लगाया था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी है इस पूरे में? एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है जिस तरीके से पैसे बना रहा है इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए इसके खिलाफ ED भी हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि कितना जो है तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तुम्हें सैलरी मिली और कितने का तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। ये जो बेईमान अधिकारी हैं इनके वजह से सरकार बदनाम हो रही है इसके वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक और भी अधिकारी हैं तहसील से लेकर DM ऑफिस तक इस पूरी फाइल का प्रोसेस है क्या मानते हैं कि और भी अधिकारी इसमें लिप्त? देखिए SDM साहब को जब कहा गया SDM साहब ने कहा उसका अप्रूवल है ठीक है ना हमने कहा अप्रूवल है चलो मिट्टी खोदने का। वैसे तो अब ये बता रहे कि नहीं रात में नहीं खनन की मनाही है लेकिन मेरे हिसाब से कि माइनिंग इन द नाइट इज नॉट अलाउड है ना यू कैन डू इट इन द डे लाइट एज सून एज द सन कम्स यू मे स्टार्ट इट एंड एज सून एज इट सेट्स यू हैव टू क्लोज द माइनिंग यू कैन नॉट डू माइनिंग इन द नाइट
तो ये जो ये बता रहे, तो ये भाई बेहतर एसडीएम साहब को पता होगा कि कहते हैं मुझे तो नहीं पता है, तो रात में भी होती है अकॉर्डिंग टू रूल। और इसके बाद जब मैंने कहा, खैर वो यहाँ पे आए, उनकी बहुत वो है, लेकिन काफी लेट आए, विलम्ब से आए, अगर यहाँ कोई मर गया होता तो दिक्कत होती। मैम देर रात आप लोग जंगल में खड़ी हैं, क्या बात है, किस वजह से आप लोग आए? हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खोज आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है, इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता, यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे माहौल के? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग, हमने खनन अधिकारी को फोन किया, वो लखनऊ बैठा है, कल मीटिंग है डीएम साहब लखनऊ में है, सीडो का फोन नहीं उठाया, एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है, तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको, उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना, कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में। हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये इसीलिए हम आए हैं, यहाँ मरा था आदमी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई, वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे के कागज है, कहीं नहीं है, तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले ले, ये तो कौन लोग हैं ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जयसचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं, और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं वो तो अभी सब आप लोग पर्चे पहले में भी लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी का नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी, ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। और चार लोग यहाँ पकड़े गए हैं, एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बताओ, मैंने मुख्यमंत्री का नोट करा दिया कि राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है और यहाँ पे रात में खनन, जबकि खनन जो है डे लाइट में होता है, माइनिंग इज नॉट अलाउड इन द नाइट, माइनिंग इज नॉट अलाउड, सुबह जब सनराइजिंग से लेकर सनसेट तक इट इज अलाउड, रात में आप जो है ये खनन नहीं कर सकते। और जिस तरीके से डीएम साहब जो है बिना सोचे समझे खनन के जो है कदम करने के जो है दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि गांव में अब जो है यहाँ मौत के तांडव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरा गांव जब इकट्ठा है, मना कर रहा, नहीं मान रहे, और गुंडे कदम। बीती रात थाना रनिया में खनन के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मैं एसडीएम और खनन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, हमारे द्वारा संयुक्त रूप से वहां पर जांच पड़ताल की गई थी, एवं शिकायत के आधार पर उचित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।